अभी जल्दी में ही चंडीगढ़ जो है नगर पंचायत पुरवा में जुड़ा, विकास के लिए जुड़ा। अब विकास के नाम पे केवल चंडीगढ़ में कूड़ा घर बनाया जा रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ में पूरे पुरवा का कूड़ा केवल जमा किया जाएगा। ना चंडीगढ़ में कोई एक खड़ंजा लगा है, ना नाली बनी है। लोग आज भी कीचड़ से मधा के आ जा रहे हैं, इतना परेशान है। गरीब आदमी की जो है खड़ी फसल जोत दी गई है। ये इकट्ठा हो जाते हैं सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दिखाते हैं कि सरकारी जमीन पे क्या कब्जा कर लेंगे। इनके आरोप है कि ऐसा हमको बताया नहीं गया फसल हमारी। हमेशा इनको जानकारी थी, इनसे मैंने पूछा था कि आपको ये जानकारी है कि सरकारी जमीन है। आखिर हमको जानकारी है सरकारी जमीन है, तो हमने कहा जब तुमको जानकारी है सरकारी जमीन है तो तुम क्यों इस पे जो है आ रहे हो। सर नोटिस के लिए मना कर रहे हैं कि नोटिस नहीं दी गई। नोटिस इनको, ये इनको नोटिस कैसे दी जाएगी? ये लिख के दें कि जो है इनका है। SDM साहब अभी आए थे, SDM साहब कह रहे थे कि अगर तुम्हारा 20 साल से है तो अभी तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा FIR। 20 साल का टैक्स दीजिए, अगर आपने 20 साल बोया है तो 20 साल का हमको टैक्स दीजिए सरकारी। आपको काम था, आप पट्टा कराते, नियमानुसार आप कार्रवाई कराते। इतनी ज़मीनें जो है जो अगर नगर पंचायत के पास आ गई है तो ये थोड़ी ना कि सब लोग कब्जा करते हुए। इनका कहना है कि चेयरमैन साहब के कहने पर फसल बोई गई है। चेयरमैन साहब के ये इनका आपस का मामला है। चेयरमैन साहब देखिए, आदमी का जब कुछ होता है तो किसी न किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए वो पॉलिटिकल आदमी है, हम लोग सरकारी आदमी हैं। हमको DM साहब का आदेश हुआ, SDM साहब का आदेश हुआ, हम लोगों को उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है। तो वो चीज़ हो रहा है, यानी कि आला हाई कमान के आदेशानुसार बिल्कुल आ रहा है। यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे माननीय जिला अधिकारी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और डेली इसकी वो की जाती है विवेचना, वो की जाती है कि कितना प्रोग्रेस हुआ, अब कितना बना। आज की कार्रवाई के पहले, आज इसके पहले कभी नोटिस लिखित में गई है इनको? नोटिस क्यों इनको लिखित में जाएगी? चाहे कब के